हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम अटेंडेंस शीट के ऊपर वीडियो क्रिएट करने वाले हैं, तो कल वो वीडियो नहीं आ सकी, आज उस वीडियो को मैं अपलोड कर रहा हूं। तो चलिए ये देखते हैं कि कैसे पहले अटेंडेंस शीट बना सकते हैं। तो यहां माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2016 वर्जन ओपन किया है, यहाँ पे ब्लैंक डेटाबेस पे करना है आपको क्लिक। जैसे ही ब्लैंक डेटाबेस पर आप करेंगे क्लिक, यहाँ पर आ जाएगा क्रिएट, क्रिएट पर कर दीजिए क्लिक, और क्रिएट पर क्लिक करने के बाद आपको मिल जाएगा कुछ इस तरह का सिनेरियो। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपको व्यू पे जाना है, डिजाइन व्यू पे आ जाना है, और यहाँ पर इसे टेबल वन, ये टेबल वन नाम आ रहा है यहाँ पे, ये टेबल वन ही रहने देता हूं, आप चाहे तो कुछ और भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आ रही है आईडी। ठीक है, हम यहाँ पर लिख देता हूँ स्टूडेंट आईडी। स्टूडेंट का ही एग्जाम्पल हर वक्त मैं लेता हूँ हर बार, तो स्टूडेंट का एग्जाम्पल लिया, यहाँ स्टूडेंट आईडी आ जाएगी, इसे ऑटो नंबर रख दिया हमने, और यहाँ पर आएगा स्टूडेंट का नेम। ठीक है, तो ये कर दिया स्टूडेंट नेम, और यहां पर आएगा शॉर्ट टेक्स्ट। ठीक है, यहां पर डेटा टाइप्स आपको बहुत सारे मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं सारे डेटा टाइप्स हैं। ठीक है, यहां पे शॉर्ट टेक्स्ट रखा है हमने, और यहां पर हमें यस और नो फील्ड रखना है, यानी कि यस ऑब्लिक नो जो फील्ड हमें चूज करना है अटेंडेंस के लिए। ठीक है, वो यहां पर हम चूज कर लेते हैं, यहां पर चूज करता हूं मैं यस और नो डेटा टाइप। ठीक है, ये चूज कर लिया हमने, और यहां से व्यू पे कर दिया क्लिक, और यहां से यस कर दिया। जैसे यस करेंगे तो इस तरह का सिनेरियो आपके सामने नजर आएगा। ठीक है, अब ये प्रेजेंट है या नहीं है ये टिक लगाने से पता चलेगा। टिक लगाने का मतलब है यस, और अगर आपने टिक नहीं किया तो उसका मतलब है नो। कैसे ये होगा, आइए देखते हैं। यहां पर लिखा मैंने पहले स्टूडेंट का नाम राम, फिर दूसरे स्टूडेंट का नाम लिख दिया श्याम, फिर यहां श्वेता, फिर यहां लिखता हूं प्रीति, ये कुछ नाम हमने लिख दिए हैं। तो अब इसमें कौन कौन से स्टूडेंट प्रेजेंट होंगे, कौन कौन से नहीं होंगे, वो कुछ इस तरह से हम करेंगे। अब ये जो स्टूडेंट आईडी आ रही है, ये फील्ड हमें नहीं चाहिए, इसे हम हटा सकते हैं यहां से जा करके, और इसे मैं हटा देता हूं, कट कर देता हूं। ठीक है, तो ये कट हो जाएगा, और ये यस कर दिया हमने, और ये इस तरह से आ जाएगा हमारे सामने। ठीक है, अब ये हम इसको डबल क्लिक करते हैं, ये यहाँ पे यस किया हमने, तो ये इस तरह से हमें नजर आ रहा है। ठीक है, अब यहां पर क्या करता हूं, नेम को रिपीट करना चालू करता हूं, जैसे राम, ओके, फिर यहां पे कर देता हूं सुमित, ओके, फिर यहां कर देता हूं ता, फिर से एक बार, फिर यहां कर देता हूं प्रीति, फिर यहां कर देता हूं शिवम, इस तरह से करके, और अब इस पर टिक करना है। जैसे राम पर टिक कर दिया, श्याम पर टिक कर दिया, यहां राकेश पर टिक कर दिया। ठीक है, कुछ पर टिक कुछ पर अनटिक रखेंगे, तो ये इस तरह से हमने टिक भी किया है, ये टिक कर दिया, यहां पर टिक कर दिया, तो ये कुछ स्टूडेंट्स के नाम के आगे हमने टिक किया है। ठीक है, और अब यहां से इसे सेव कर लेता हूं, ये सेव कर लिया, आप देख सकते हैं राम पहला टिक, फिर यहां पर राम पर दूसरा टिक किया हमने, और फिर यहां पर एक बार और लिख लेते हैं राम, और फिर यहां पे लिख लेते हैं प्रीति, और फिर यहां एक बार लिख लेते हैं श्याम। तो ये देख सकते हैं इस पर टिक किया हमने यहां पर और यहां पर, और फिर एक बार यहां पर भी टिक कर दिया, तो ये इस तरह से हमने कर दिया, और इसे सेव कर लेते हैं। ये सेव कर लिया, अब चलना है क्रिएट पर, और चलना है कहां, क्वेरी डिजाइन पर। तो ये क्वेरी डिजाइन आपको यहां पर दिख रहा है, अगर आप 2007 यूज करते होंगे तो यहां पर कहीं आपको दिखेगा। क्वेरी डिजाइन पे आ जाते हैं, और यहाँ टेबल वन को ऐड करा लेते हैं। हमारे टेबल का नाम क्या है, टेबल वन। ठीक है, हमें कौन कौन से फील्ड चाहिए, यही दोनों तो फील्ड है हमारे पास, यही दोनों फील्ड चाहिए हमें, तो इन दोनों को उठाइए और यहाँ पे लेके आ जाइए, ये लेके आ गए हम। अब यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करने के लिए पहले यहाँ पे देख सकते हैं ये टोटल, ये जो आ रहा है ना, यहाँ पर आपको करना है क्लिक, एक बार आप क्लिक कर दीजिए, यहाँ ग्रुप बाई आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें फॉर्मूला यूज करना है। देखिए, अगर आपने यस और नो डेटा टाइप के बारे में नहीं सीखा है, तो वीडियो क्रिएट किया है मैंने, आप हमारे चैनल पर जाकर, जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन, वहां पर डीबीएमएस की दो प्लेलिस्ट बनाई है हमने, किसी प्लेलिस्ट में आप चले जाइए, वहां पर आपको ये वीडियो मिल जाएगी, या फिर कोई भी वीडियो देख लीजिए जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि यस और नो डेटा टाइप क्या होता है, तभी आपको ये समझ में आएगी। इसके बाद आई इफ फॉर्मूले का यूज भी आपको याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इसको कैसे यूज करना है। ठीक है, तो यहां पर आई इफ कर दिया हमने, और टेबल का नाम क्या है हमारे, हमारे टेबल का नाम है टेबल वन। ठीक है, तो यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट में आपको लिखना है टेबल वन, ये लिख लिया टेबल वन, क्लोज किया स्क्वायर ब्रैकेट को, और अब यहां पे लगा दीजिए एक्सक्लेमेशन। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क आपको लगा दिया यहां पे आपने,
और फिर यहां पर क्या नाम दिया इस फील्ड को, इस फील्ड को हमने नाम दिया यस ऑब्लिक नो, ठीक है। तो यहां पे यस ऑब्लिक नो यही रख देता हूं मैं, ठीक है, ये रख दिया हमने। और अब इसको भी कर दीजिए क्लोज और इज इक्वल टू, हम क्या चाहते हैं, हम यस वाला डेटा चाहते हैं, तो यहां पे आपको लिखना है यस, वाई ई एस एस, ठीक है। तो यस लिख दिया हमने और अब कॉमा देंगे वन और कॉमा देंगे, फिर क्या करेंगे नल, ठीक है, ये दे दिया हमने, इसको क्लोज कर दिया। ये तो रहा इफ का फॉर्मूला, ठीक है, लेकिन सिर्फ इफ के फॉर्मूले से हमारी बात नहीं बनने वाली है, तो इसमें हमें और भी फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ इफ के फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा। यहां पर एक और ब्रैकेट कर देते हैं क्लोज, क्यों क्लोज किया अभी बात आपको समझ में आएगी, क्योंकि अभी तक तो हमने एक ही ब्रैकेट ओपन किया है स्मॉल, ठीक है, और यहां पे लगा दिया एक और ब्रैकेट, ठीक है, ये लगा दिया। अब यहां पर हमें यूज करना है काउंट फॉर्मूला, ठीक है, काउंट हमें काउंट करके बताएगा, तो यहां पे काउंट फॉर्मूला यूज कर लिया, और काउंट फॉर्मूला यूज करने के बाद हमें क्या करना है, यहां पर ये जो रन बटन दिख रहा है आपको, इस पर कर देना है क्लिक, ठीक है, तो इस पर क्लिक कर दिया। अब ये देखिए यहां पर ये कहेगा कैन नॉट हैव एग्रीगेटेड फंक्शन इन ग्रुप बाई क्लॉज काउंट इफ, और ये इस तरह का आपको मैसेज एक आएगा। तो आपको क्या करना है, ये जो लिखा हुआ आ रहा है इसको एक नाम दे देता हूं मैं, प्रेजेंट, ये नाम दे देता हूं, कोलन लगा देता हूं, ठीक है, नहीं तो बाय डिफॉल्ट expr करके ऐसे आ जाएगा। अब यहां पर हमें ये जो ग्रुप बाई है यहां पर क्लिक करना है और यहां पर आ जाना है और यहां पे कर देना एक्सप्रेशन। ये आपने एक्सप्रेशन एक बार कर दिया फिर ये रन हो जाएगा, ये रन हो गया। अब आप देख सकते हैं यहां पे रिजल्ट कुछ इस तरह से आ रहा है, ये जो प्रीति लिखा हुआ है ये देख सकते हैं, यहां पे अगर टिक कर देता हूं मैं, यहां पर आते हैं, प्रीति कहां लिखा हुआ है देखिए, यहां पे लिखा हुआ है, इस पर टिक कर दिया हमने और यहां पर टिक किया है और फिर पैसे रन करवा देते हैं यहां से, ये रन करवा दिया हमने। तो आप देख सकते हैं जहां प्रीति लिखा हुआ है वहां थ्री आ रहा है, थ्री आने का क्या मतलब है, यानी कि तीन ऐसे दिन हैं जिन दिनों में प्रीति प्रेजेंट रही है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहां पर देख सकते हैं आप, ये यहां पे तो एक ही दिखाई पड़ रहा है, टेबल पे जब आएंगे तो यहां पे देख पाएंगे प्रीति वन, फिर यहां टू और ये थ्री, थ्री टाइम ये प्रेजेंट रही है तो यहां थ्री आ रहा है। अगर मान लीजिए यहां पर एक बार और इनकी प्रेजेंसी दिखा दी जाए, प्रेजेंट अगर ये है और यहां पर टिक दिखा दूं मैं, और यहां पर अगर टिक कर देता हूं और ये यस कर देता हूं और फिर यहां पर क्लिक कर देता हूं और यहां से रन करवा देता हूं, सबसे अच्छा तरीका यहां पर जाकर के और ये डिजाइन पे जाकर के फिर यहां पे रन करवा दिया। तो अभी देख सकते हैं प्रीति का यहां पे अटेंडेंस 4 हो गया है, ठीक है। इसी तरह से राम की अटेंडेंस देख लेते हैं, ये देखिए राम की अटेंडेंस 3 है, ठीक है। अगर हम राम इसमें इंक्रीज करते हैं, जो ये यहां पे टेबल बनी हुई है इसमें राम का नाम एक बार और इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है, यहां पे देखिए यहां पे लिखता हूं मैं राम और टिक कर देता हूं, यहां पे टिक करूंगा, ध्यान दीजिएगा, ये किया हमने टिक, यहां पे टिक कर दिया और इसको सेव कर दिया, सेव कर दिया ना। अब यहां पे वापस चलते हैं और यहां पे आके इसको एक बार और रन करवा लेते हैं, ये रन करवा दिया हमने। अब यहां पे देखिए राम का यहां पे क्राइटेरिया देखिए, यहां पे 4 आ चुका है, ठीक है। अगर मैं एक बार और यहां पे टेबल में जाकर के और यहां पे एक बार और यहां पे लिख देता हूं राम, ठीक है, और यहां पे टिक कर देता हूं, टिक कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, और यहां पे जाकर के एक मिनट ये क्वेरी पे जाकर के और फिर एक बार इसको रन करवाना है, तो डिजाइन व्यू पे आ जाइए और रन करवा लीजिए। तो अब देख पाएंगे यहां पे राम जो है यहां पे अटेंडेंस 5 हो गई है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट वाली अटेंडेंस है, यस वाली फील्ड है, अगर टिक रहेगा तो यस और अगर नहीं टिक है तो नो। अब नो वाली फील्ड देखते हैं, यहां पर आपको क्या करना है, सेम फॉर्मूला ही हम कॉपी कर लेते हैं इसी को, ठीक है, ये उठाया यहां से और यहां पर कॉपी किया और इसी को यहां पे पेस्ट कर देता हूं, ये सेम फॉर्मूला, सिर्फ थोड़ा सा चेंजिंग इसमें करना है, वो क्या करना है आपको दिखा रहा हूं, ये जूम पे ले ले बेहतर तरीके से अब दिखाई पड़ेगा। अब यहां पे काउंट यस ऑब्लिक नो, यहां पे यस किया है हमने, अगर यहां पे मैं नो कर देता हूं, यानी कि अगर प्रेजेंट नहीं है वो स्टूडेंट तो यहां पे नो कर दिया हमने, और नो जैसे ही करेंगे तो अब यहां से ओके प्रेस करता हूं, ये ओके प्रेस कर दिया हमने और यहां पे प्रेजेंट जो लिखा है इसकी जगह लिख देता हूं मैं एब्सेंट, ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी एब्सेंट, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक आइडिया दे रहा हूं मैं आपको, और यहां पर वापस ग्रुप बाई है तो ये ग्रुप बाई हटा देंगे और यहां पे आ जाएगा एक्सप्रेशन, जब तक एक्सप्रेशन नहीं करेंगे तब तक ये चलेगा नहीं, और यहां पे ओके कर दीजिए। अब देखिए यहां पर देख सकते हैं मनोज एक दिन एब्सेंट है, ठीक है,
सुमित दो दिन एबसेंट है, इस तरीके से ये एबसेंट का भी डिटेल निकल जाएगा। अब यहां पर अगर मान लीजिए टेबल में आ जाते हैं, आप फिर से वापिस से टेबल में आते हैं, अगर राम को एबसेंट कर देता हूं एक दिन और, ठीक है, क्वेरी पे जाके फिर यहां पे आके फिर डिजाइन पे आके और फिर एक बार रन करवाता हूं, तो ये देख सकते हैं राम जो है यहां पे देखिए एक दिन एबसेंट है, ये देख सकते हैं यहां पे राम, ये देख सकते हैं ना, और ये चार दिन प्रेजेंट है राम, ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हम ये अटेंडेंस के लिए एक बहुत बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया है। अब ये अटेंडेंस शीट में कैसे कन्वर्ट होगी ये नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, लेकिन आपको इससे बहुत बेसिक आइडिया हो जाएगा कि इससे हम अटेंडेंस शीट कैसे बना सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पिछले वीडियोस में मैंने आपको डिपेंडेंट ड्रॉपडाउन बनाना सिखाया था कि कैसे एक कोई स्टूडेंट है तो वो अगर प्रेजेंट है किसी पर्टिकुलर डेट पर, तो उस पर्टिकुलर डेट पर कौन कौन स्टूडेंट प्रेजेंट रहा है ये चीजें ही शो होंगी, ऐसा हम ड्रॉपडाउन कैसे बना सकते हैं, तो उसकी मदद से आप जो है इस अटेंडेंस शीट को भी बना सकते हैं। तो आगे की वीडियोस में हम वो भी देखेंगे। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।